Do that wonderful piece of thing, hand rolls a glass of full do. Wonderful do. दोस्तों, दूध पीना और दूध से बनी चीजों का सेवन करना भारत की एक पारंपरिक और पुरानी आदत रही है। ये हमारी संस्कृति में इस तरह घुली हुई है कि यहाँ गाय को भी माता कहकर बुलाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाल ही की रिपोर्ट में सामने आया है कि हमारे देश में ज्यादातर दूध पीने लायक नहीं है, चाहे वो फिर डेयरी से लिया दूध हो या बड़ी बड़ी कंपनियों का पैकेज किया हुआ दूध। सभी तरह से मिलने वाले दूध में कुछ ना कुछ कमी पाई गई है। हालांकि कमियां हर तरह के दूध में पाई गई हैं, पर FSSAI की इस रिपोर्ट की मानी जाए तो आज के वक्त में सबसे ज्यादा सुरक्षित दूध पैकेज मिल्क को ही माना गया है। इसके कई कारण हैं जिन पर हम वीडियो के अंत में लौटेंगे, पर उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये पैकेज्ड मिल्क बनता कैसे है। अमूल या मदर डेयरी जैसी कंपनियां भी दूध अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि गाय रखने वाले पशुपालकों से ही लेती हैं। रोज सुबह किसान अपने यहाँ से दूध लेकर नजदीकी मिल्क कलेक्शन सेंटर तक पहुंच जाते हैं और 18 से 20 रुपए प्रति लीटर के दाम पर इन सेंटर्स पर दूध इकट्ठा किया जाता है। इस दूध को लेने से पहले इसके सैंपल की जांच की जाती है और सैंपल पास होने पर ही बाकी का दूध कंपनी स्वीकार करती है। सभी मिल्क सेंटर से कलेक्ट किया गया दूध फिर बाकी के कामों के लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ पर एक बार फिर दूध की गुणवत्ता परखी जाती है और सब कुछ सही होने पर दूध को आगे भेज दिया जाता है। आगे जाकर दूध को सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से बहुत ही हाई स्पीड पर घुमाया जाता है ताकि इसमें से क्रीम को अलग किया जा सके। बाद में इसी दूध से फुल क्रीम, टोंड और स्किम मिल्क बनाया जाएगा। दूध को पैकेट में पैक करने से पहले भी इसे और कई तरह के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। इसमें पहला पड़ाव है पैस्चराइजेशन। घबराइए नहीं, ये शब्द सिर्फ सुनने में खतरनाक लगता है, पर यह प्रोसेस है बहुत ही सिंपल। पैस्चराइजेशन में दूध को कुछ पाइप्स में 15 सेकंड तक गुजारा जाता है, जहां इनका तापमान बढ़ाकर 72 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है और इसी के तुरंत बाद इसे ठंडा करने के लिए दूसरे पाइप्स में भेज दिया जाता है और इसका तापमान गिराकर 4 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस 1 घंटे तक रिपीट होता है। ऐसा करने से न सिर्फ दूध के अंदर के बैक्टीरिया और बाकी खतरनाक जीव मर जाते हैं, पर साथ ही दूध को ज्यादा वक्त खराब होने से भी रोका जा सकता है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। घरों में भी दूध को गर्म करने के पीछे का यही कारण है। पैस्चराइजेशन का एक नुकसान भी है कि इससे दूध में मौजूद कई पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। इसी नुकसान की भरपाई के लिए दूध में अलग से फिर विटामिन ए और विटामिन डी को ऐड किया जाता है ताकि इसका पोषण बरकरार रहे। अब दूध को एक होमनाइजर मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में दूध को हाई प्रेशर के साथ बहुत ही पतले नोजल्स की मदद से कंटेनर में डाला जाता है। ऐसा करने से पूरे दूध में फैट की मात्रा बराबर हो जाती है और कहीं अलग से फैट कम या ज्यादा नहीं रहता। अब यह दूध पैकेजिंग के लिए तैयार है। दूध की क्षमता के अनुसार उसे अब या तो प्लास्टिक पैकेजिंग या टेट्रा पैक्स में पैक कर दिया जाता है और ये पैकेट्स बाहर जाने के लिए तैयार हैं। अब जानते हैं कि समस्या कहाँ है। देखने में तो ये सारा ही प्रोसेस बहुत ही साफ सुथरा सा मालूम पड़ता है, और फिर ऐसा क्या हो सकता है जो FSSAI की रिपोर्ट इतनी चिंताजनक है। FSSAI द्वारा जब देश भर में 2607 सैंपलों को इकट्ठा कर जांच की गई तो उनमें कई तरह की अशुद्धियां पाई गई जो इन कंपनीज के टेस्ट में सामने नहीं आती हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि जानबूझकर नजरअंदाज कर दी जाती है। सबसे पहली चीज जो पैकेज मिल्क में पाई गई वो थी दूध में एंटीबायोटिक्स की मात्रा। ये एंटीबायोटिक्स दूध देने वाले पशुओं को दिए जाते जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे लगातार दूध देती रहे, पर ये एंटीबायोटिक्स दूध में मिलने से पीने वाले इंसान की तबीयत खराब हो सकती है। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ दूध के उत्पाद बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स भी इन सैंपल्स में पाए गए हैं जो इनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि हर 10 में से एक पैकेट में इस तरह की अशुद्धियां तय मात्रा से ज्यादा थी। बात शायद यहां तक रुक जाती तो ठीक था, पर एक के बाद एक नई और खतरनाक चीजें रिपोर्ट में सामने आती रही। इन सभी में सबसे खतरनाक था पीने वाले दूध में एफ्लाटॉक्सिन M1 का मिलना। बता दें कि एफ्लाटॉक्सिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो खराब चारा खिलाने की वजह से गाय के शरीर में पैदा होता है।
इंसानी शरीर में एफ्लाटॉक्सिन M1 के जाने से कैंसर जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। चारे के अलावा इन पशुओं के खराब और गंदे वातावरण में रहने की वजह से भी एफ्लाटॉक्सिन पैदा होता है। और ये बात कोई छुपी नहीं है कि कई लोग अपने मवेशियों को खुले में चरने के लिए छोड़ देते हैं, जिस वजह से ये पशु कभी कचरे के ढेर के पास चरते मिलते हैं तो कभी गंदे नालों और नदियों में नहाते हुए। इस रिपोर्ट में किसी भी कंपनी का नाम अलग से नहीं लिया गया, पर खुलासे सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं थे। FSSAI ने इन्हीं फैक्ट्रीज में बनने वाले दूध के अन्य पदार्थ जैसे मक्खन और घी पर भी टेस्ट किए और नतीजे फिर से डरावने थे। हमने कई बार सुना है कि छोटे दुकानदार मक्खन या दूध से बनी मिठाई में नकली दूध या तेल जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए, पर लोगों को कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मक्खन और घी बनाने में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करेंगी। कुछ पैसों को बचाने के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में सोया मिल्क से लेकर एडिबल ऑयल तक का इस्तेमाल करने से नहीं कतराती। अगर आप ये वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि आप इन कंपनियों के बजाय आप खुला दूध लिया करेंगे तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि इसी रिपोर्ट में खुले दूध के भी कई सैंपल्स लिए गए और रिपोर्ट की माने तो यहाँ हालत और भी बुरी है। पानी की मिलावट के अलावा ये अभी बताए गए सारे जहरीले रसायन खुले दूध में भी उपलब्ध हैं, जहाँ पैकेज दूध में फिर भी पैस्चराइजेशन जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल करके कुछ अशुद्धियाँ निकाल दी जाती हैं, वहीं खुले दूध में तो ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। और ज्यादातर यही पाया गया है कि खुला दूध बेचने वाले लोगों का सफाई पर ध्यान और भी कम रहता है। और क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की जांच सरकार नहीं करती, तो मुनाफा कमाने के लिए कई लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अपने पशुओं को इंजेक्शंस और अन्य डोजेस देते रहते हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? दूध तो हम सबकी जरूरत है और ऐसे अचानक से छोड़ना भी सही नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 22% दूध भारत अकेले ही प्रोड्यूस करता है, जो कि सारा का सारा यहीं खर्च हो जाता है। अगर आप दूध के बिना नहीं रह सकते तो आप सिर्फ ऐसी जगह से दूध लें जिन पर आपको विश्वास हो, और अगर मुमकिन हो सके तो एक बार चेक भी कर लें कि वहां पर किस तरीके से दूध निकाला जा रहा है। सिर्फ पैकेज मिल्क ही पीने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार और अथॉरिटीज ने जरूरी कदम उठाते हुए नियमों को और कड़ा कर दिया है, जिस वजह से कंपनियां मिलावट करने से बचने लगी हैं और अपने दूध की भी बेहतर जांच कर रही हैं। एंटीबायोटिक्स और एफ्लाटॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए भी देश भर में खास तरह की लैब्स बनाई जा रही हैं, जो क्वालिटी को और बेहतर करने में मदद करेंगी। इन सब के अलावा नवजात बच्चों को पैकेज्ड मिल्क ना पिलाकर जितना हो सके माँ का दूध पिलाना ही बेहतर रहेगा। इसका एक कारण ये भी है कि सभी पैकेज्ड मिल्क एक सा होता है, पर एक रिसर्च में सामने आया है कि बच्चे के लिंग या जेंडर के आधार पर माँ के दूध में फर्क होता है। ये फर्क ज्यादातर दूध के अंदर के न्यूट्रिएंट्स में होता है, जिसकी जरूरत लड़कों और लड़कियों को अलग अलग मात्रा में होती है। इसलिए एक सा दूध ही पिलाने से बच्चों के कुपोषित रह जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप और सचेत हो गए होंगे और अब बेहतर तरीके से अपने पीने के लिए दूध का चुनाव करेंगे। ऐसी कई और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर बार बार अपडेट्स चेक करने के झंझट से बचें। अपने सुझाव या सवाल आप में सोशल मीडिया पर भी लिख सकते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।